पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरा ख्याल से तुम्हारे दिमाग में ना खन्नास भर गया है, इसलिए ऐसी ऑलफुल बातें कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं रखती। बोल कौन रहा है जिसने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है। जलती थी ना तुम उससे, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाया है ना। काश ये मैंने किया होता। तुम्हें इतना परेशान देखकर मैं यही सोच रही हूँ कि काश ये मैंने किया होता। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे किए किसी गुनाह की सजा तुम्हारी ही बहन को मिल रही है। अगर तुमने किया है ना ये, तो अपने कान खोलकर सुन ले ये बात कि तुम्हारा वो हशर करूंगा पूरी दुनिया देखेगी। ये जो तुर्रम खान बने फिर रहे हो, अपनी बहन को ढूंढकर क्यों नहीं ले आते? यूं चूहों की तरह घर में छुपे क्या बैठे हो? और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मैंने किया है, तो कोई सबूत लेकर आओ। फालतू बातें करके मेरा टाइम ना वेस्ट करो। हाँ शहरी बेटा, मौका देखकर खुद ही बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, रो रो के अलकान हो गई है। अब तुमने और मैंने दोनों ने मिल गई इस मलिया के मसले को निपटाना है। और इस चीज का ख्याल रखना, जाहिर हमने यही करना है कि अगवाकारों को हमने तावान दे के तुमको छुड़ाया। हाँ मौका देख के अब तुम बाहर आ जाओ, बल्कि ऐसा करो रात के वक्त निकल के आओ, ये बेहतर रहेगा। आ कौन हो तुम लोग और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? सुनो लड़की, मैं जरा सा भी रहम दिल इंसान नहीं हूं। अपनी चोंच बंद रख तो बेहतर होगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सदीप भाई, इतनी खूबसूरत लड़की है यार, कोई ऐसे बात करता है क्या इतनी प्यारी लड़की से? मैं प्यार से समझा लूंगा। अपनी बकवास बंद रख और अपनी औकात में रह। औकात की बात नहीं कर रहे सदीक भाई, आपको जो चाहिए रख लो, मेरे हिस्से का पैसा भी रख लो। अरे मेरा दिल आ गया इस खूबसूरत लड़की पे, बस थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ इसके साथ में। देख शायद पीछे हट जा, पीछे हट जा वरना मुझे गोली चल जाएगी। चल निकल, चल निकल यहाँ से, चल निकल। क्यों रो रो के अलकान हो रही है? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रख, बहुत जल्दी शहरी हमारे दरमियान होगा। तुम उनसे बात क्यों नहीं करते?
अब तो हमने उनको इतना सारा पैसा भी दे दिया है, उन्होंने जो कहा है वो हमने किया है, अगर वो मेरे शेरी को छोड़ क्यों नहीं देते? जब उन्होंने कहा है कि छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे बस। और तूने यकीन कर लिया? एक बात सुन ले इब्राहिम, अगर खुदा ना खास्ता मेरे शेरी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। खुदा के वास्ते अच्छा अच्छा बोल, जो मुंह में आता है बोलती है, आ जाएगा शेरी, फिक्र नहीं कर। शेरी मेरा बच्चा, अल्लाह तेरा क्योंकि मेरा बेटा आ गया, पता चला गया था। उसको बैठने तो दे, इधर आ। बच्चे को क्या हाल? ओ नेक बख्त, अब तो रोना बंद कर, खुशकिस्मत है बच्चा घर आ गया, जा जाके अल्लाह का शुक्र अदा कर, शुक्राने के निफल अदा कर, जा। अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, मैं अभी नफल पढ़ के आती हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए? हाँ असद के, अभी लेके आती हूँ मैं अपने बच्चे तेरे लिए, मैं अभी लेके आती हूँ अपने बच्चे। क्या हाल बना दिया, ये कुछ तो बताना चाहिए था। हकीकत का रंग भरने के लिए ड्रामेबाजी जरूरी है, ये करना था। अभी आगे का बता, आगे क्या प्लान बनाया, किस तरह लेके चलना है इसको? वो तो आप बताएंगे कि अब क्या करना। अभी सिर्फ फोकस करना है तूने मलिया को, बस। अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताना है, बस मैं संभाल लूंगा जो भी है। देखते हैं आगे अभी क्या प्लानिंग तैयार होती है। क्या किया इसके साथ तुम्हें? जब बाबा ने कहा था इसको खरोच भी नहीं आनी चाहिए, ये क्या कर दिया? शेरी साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लड़की बहुत उछल कूद कर रही थी, हमने तो इसे रिवॉल्वर दिखाया फिर भी ये नहीं डरी, तो हमने ऐसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, वो शायद डोज ज्यादा हो गई है। ए यार कसम से, क्या कर देते हो तुम, कैसे निकलेंगे इस मुसीबत से अब, अगर ये होश में नहीं आई तो? हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते? मैं पागल हो गए हो तुम, डॉक्टर को पकड़ के लेके आओ, किसी को, पुलिस केस बन जाएगा। ओके, मेरा एक भरोसे वाला डॉक्टर है, मैं उसे लेके आता हूं। जाओ यार जल्दी, क्या हाल बना दिया है, पता नहीं क्या क्या किया है जाहिल। मैंने बोला था बाबा को खरोश नहीं आनी चाहिए, जाहिल लोग, बोला था भरोसे का बंदा नहीं है। मैंने आपसे आलिया के बारे में पता करवाने को कहा था, कुछ पता चला कौन है ये औरत? तुम फिक्र मत करो, मैंने हसन से कहा है, वो इसका अगला पिछला सब मालूम करके बता देगा। जो भी करना है जल्दी कर ले, मैं आपको बता रही हूँ ये औरत नौगन से ज्यादा जहरीली है। अब उसमें ऐसी भी क्या बात है जो तुम उससे इतना डर रही हो? डर नहीं रही हूं, अगर नहीं चाहती मैं कि हमारे मंसूबे के बीच में कोई भी रुकावट बनकर आए। मुझे यकीन है कि मेहरू की मौत में किसी न किसी तरह इरफान का भी हाथ है। उनका उसकी मौत से क्या लेना देना, क्या फायदा उन्हें? बल्कि अभी तो वो खुद परेशान फिर रहे हैं क्योंकि सारे कर्ज खा तो उनकी जान के पीछे पड़े। ये तो अभी इब्तिदा है मेरी जान, आगे आगे देखो। यहाँ मलिहा अगवा हो गई क्या? और ठीक ठाक मोटी रकम का तावान मांगा गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इरफान देगा? उनके पास कुछ होगा तो देंगे ना, सब कुछ तो गिरवी रखवा चुके हैं। अगर उसके पास होता भी ना तब भी वो एक पाई ना देता, उसके नजदीक रिश्तों से बढ़कर है पैसा, पैसे से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। खैर मुझे ये बताओ कि जफर को तुम कब बर्बाद करोगी, कब उसे तड़पा तड़पा कर मारोगी? जफर की नफरत मेरे दिल में लगी आग को और सुलगा रही,
और आप तो जानते हैं आग तेज होती है तो सब कुछ एकदम जलाकर खाक कर देती है। हाँ लेकिन मेरी बात सुनो, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, हर कदम फूक फूक के रखना, कहीं ऐसा ना हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मार दिया होता मुझे, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मेरे बदले तुम लोगों को कुछ भी मिलेगा तो ये तुम्हारी भूल है। कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो मैं आज इस हाल में नहीं होती। नोट तो तुम्हारे बदले मिल ही जाएंगे, अगर तुम्हारे बाप ने ना दिए तो क्या हुआ? तुम्हारे चाहने वालों की कमी तो नहीं है? बाजार में बेच दूंगा तुम्हें और मुंह मांगी कीमत मिलेगी मुझे। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। पहले अपनी जान तो बचाओ। मेरा कहना मान, चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना खा ले। चले खाना खा, ले जाओ उसे यहां से। ये शहरी है ना? हाँ ये शहरी है, और ये भी तुम्हारी तरह एक ब्लैंक चेक है। इसकी जान भी हमारे कब्जे में है, अगर इसके बाप ने हमारा वादा पूरा नहीं किया ना तो इसे भी हम जान से मार देंगे। तुम लोग उसे छोड़ दो, उसके अब्बू तुम्हें सब पैसे दे देंगे। तुम कैसे जानती हो इसके अब्बू को और इसको? क्या चाहते हो हमसे, क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं चाह रहे तुमसे, सिर्फ नोट चाहते हैं। तुम चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो। चलो खाना खाओ। कह दिया कि मुझे नहीं खाना, चलो जाओ यहां से। भूखी मर जाओगी, खा लो खाना। फोन पता भी है मैं इतने प्रॉब्लम में हूं। लग गया। हेलो भाई, मलिया का कुछ पता चला? मुझे लग रहा है कि मलिया की जान को कोई खतरा है, उसको किसी ने ट्रैप कर लिया है। वो कल बैंक से 50 लाख रुपए लेके निकली और अब तक घर नहीं लौटी। भाई मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ने किडनैप किया है, या तो वो अपनी मर्जी से कहीं गई है या फिर खुदा ना खासा उसे किसी ने मार तो नहीं दिया। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिना किसी मर्द के सहारे के आखिर वो कहाँ जा सकती है? नहीं नहीं, शहराज तो उसका माजी था, अब तो वो शहरयार को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है, और इसी सिलसिले में उसने मेरी मदद मांगी थी तो, और मैंने वादा भी किया था। हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन उसके बाप और भाई को उसकी ज़रा परवाह नहीं है। वो तो यही सोचते हैं कि मलिया अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। आप कहीं से पता करें ना, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ये लोग तो ज़रा सीरियस नहीं ले रहे इस बात को। हाँ मैं भी कोशिश करती हूँ, उसके दोस्तों को फ़ोन करती हूँ। शेरी तुम कहाँ हो? रुको,
फाइल मेरे पास है। मुझको बस ये बताओ कि तुम मेरे से ये खरीद रहे हो या नहीं। मार्केट के अंदर और भी लोग ये खरीदने के लिए तैयार हैं मुझसे। देखो, तुम्हें से कोई गर्ज नहीं है कि मैंने ये फाइल कैसे हासिल की। मेरे को बस ये बताओ कि तुम मुझसे ये खरीद रहे हो, हाँ या ना। तुमको यकीन नहीं है तो मैं तुमको ऐसा करता हूँ कि एक पेज व्हाट्सएप कर देता हूँ। इरफान को बर्बाद करने से कोई रोक नहीं सकता। इरफान को तुम भी बर्बाद करना चाहते हो और मैं भी। जख्म तो मेरे सीने पे भी लगाया उसने। उसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ किया है तुमको नहीं पता। सिला क्या मिला? जिल्लत ना। अब उसको उसकी जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है, बस हाँ या ना का जवाब दे देना मुझे। अल्लाह हाफिज। तुम ठीक लग रही हो आलिया? ठीक हूँ शेरी, बस मेरे सर में दर्द है, मुझे घर ले चलो प्लीज। बात सुनो, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है ओके चलो। अभी वो फिर नहीं आ जाएंगे हॉस्पिटल तक, हम लोग एक काम करते हैं, हम घर पे ही बुला लेंगे। हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें हॉस्पिटल जाना है। ऑटो इरफान, आपका फोन आ रहा है। हाँ? आपकी कॉल आ रही है। हाय बिराय में बोले मलिया मलिया। अरे मलिया के आगे भी बकवास करेगा क्या या नहीं? मलिया ठीक है, मेरे को बता किधर है मलिया। अरे शेरी ने बचाया है मलिया को। अरे मेरे को बता ये शेरी और मलिया है किधर? मेरे को शेरी का नंबर भेज जल्दी से, जल्दी कर। अरे मेरे लिए एक सेकंड अजाब हुआ है, पहुंचने वाली कर। क्या हुआ इरफान? इब्राहिम का फोन था, शेरी ने मलिया को बचा लिया है। तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, पुलिस स्टेशन गए हुए हैं तुम्हारा पता करने के लिए। मलिया पापा पापा मैं आप बहुत मुश्किलों से घर वापस आई हूँ। मुझे तो इस सब खेल के पीछे इब्राहिम और इस लड़की का हाथ लगता है। क्या अल्फाल बोलते रहते हैं आप? अरे भाई मेरे सारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, 100% दुरुस्त। और बात है कि तुम मेरे ख्याल से इत्तफाक ना करो, वैसे भी मैंने ये बाल जो है ना ये धूप में सफेद नहीं किए। सी बात का डर था, इरफान ने अच्छा नहीं किया पुलिस को इसमें शामिल करके। तुझे जरूरत क्या थी उस लड़के के फोन से मुझे फोन करने की? अब पुलिस उस लड़के तक पहुंचेगी, उसके बाद हम तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा।